ये जो पूरा अभी तक का जर्नी था बहुत बड़ा नहीं, 5 years अभी तो लॉन्ग वे टू गो है, एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे बट एक्चुअली जर्नी चलते रहेगा. सो इन दिस लास्ट 5 years कॉलेज देन फर्स्ट जॉब गिविंग एक्चुअल एग्जाम्स कुछ मिस्टेक्स किए होंगे फॉर श्योर. वट आर दीज मिस्टेक्स इन योर पर्सनल लाइफ एंड कैसे तुम ये मिस्टेक्स शेयर करना चाहते हो विद योर जूनियर्स कि वो रिपीट नहीं करें? So one thing I always regret is not giving enough papers in each attempt in college. So basically when you are in college, तुमको लगता है कि कॉलेज का बहुत सिलेबस है, तुमको बहुत प्रेशर है, तुमको लगता है. बट अ वेरी ब्लंट ट्रूथ इज दैट आफ्टर कॉलेज जॉब में वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्क में. तो कॉलेज में मैंने क्या किया था, एक टर्म था अप्रैल का, मैंने उसमें बस CB2 दिया था. तो उसमें अगर मैं एक और पेपर देता ना तो आई वुड हैव बीन 1 inch क्लोजर टू दिस क्वालिफिकेशन. सो दैट्स अ बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ कि मैंने पेपर ठीक से सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है. एंड वो एक मिस्टेक था. सेकंड मिस्टेक आई वुड से कि मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में कि मैं कॉलेज के टाइम या फिर कॉलेज के बाद जब फर्स्ट जॉब के बीच में 2 महीना का गैप रहता है ज्वाइनिंग डेट एंड ऑल, तो उसमें मैंने सोचा था कि मैं कोई एक सॉफ्टवेयर सीखूंगा. हाँ. मैं सोचा था कि मैं पाइथन सीखूंगा, मैं SQL, मैंने सब अपने CV में भी लिख रखा था कि मैं तब तक तो सीख ही जाऊँगा. बट वो एक चीज़ है कि मोटिवेशन नहीं मिला बिकॉज मीन्स तो है, मीडियम तो है. हाँ. आप लोग ही कराते हैं, इंटरनेट पर तो बहुत रिसोर्स है. तो वो था, मैंने वो नहीं किया. मैं स्टिल रिग्रेट करता हूँ बिकॉज एक बार बताऊँगा, सम वर्क इन माई फील्ड, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स जो कंपनी मैनेज करती है ना, वो पाइथन स्क्रिप्ट से मैनेज करती है. हाँ. क्योंकि एसेट्स बहुत होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के. तो विदाउट फंक्शनल नॉलेज अबाउट पाइथन यू वोंट बी एलोकेटेड टू सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो तुमको इंटाइसिंग लगेगा, जो तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा. दैट्स माई बिगेस्ट सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक टू मेक कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने पेपर्स अच्छे से कर रखे थे, जॉब भी मिल गया था, बट मैंने वो एक टेक्निकल स्किल नहीं किया जिससे मेरे को एक एक्स्ट्रा माइल मिलता अपार्ट फ्रॉम माय अदर कलीग्स. बिकॉज आई एम सीइंग एट माय जॉब, मेरे कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने आइदर कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर वाले पाइथन सीख रखे या जावा सीख रखे, उनको मिल गया अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स. तो वो एक रहता है यार कि मैंने क्यों नहीं सीखा, और अभी भी सीख सकता हूँ, मेरा मन है सीखने का. तो ये कि एक तो तुम सॉफ्टवेयर सीख लो, एंड दूसरा कि तुम मेरे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर सीखना ही है, जितना हो सके पेपर निकाल लो कॉलेज में. यार तुम कॉलेज एग्जाम्स के चक्कर में एक बेसिक पेपर देके पूरे अप्रैल टर्म मत बर्बाद करो, वो मैं बोलूंगा, तुम पेपर दो. आई थिंक दीस टू आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स, डोंट यू थिंक? कॉमन मिस्टेक्स तो है, बट यही रियल इज बिकॉज आई वुड से कॉमन मिस्टेक है. तो ऐसा तो नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत मेजर इम्पैक्ट है. करेक्ट, पर वही हुआ है आज तक मेरे साथ. करते हैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ये चीज करते हैं. हाँ, बिकॉज आलस आता है. हाँ, आलस आता है. आप एक बताइए, आप अगर एक CA1 पढ़ रहे हो, उसमें आपको थ्योरी, आपको एक्सेल है, आप उसके साथ एक कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हो, आप क्यों एक एक्स्ट्रा हेडेक लोगे टू अंडरस्टैंड SQL? और बट फिर बेनिफिट भी बहुत है, वो अप्रिशिएट नहीं करते ना स्टूडेंट आजकल. मैं खुद नहीं करता था, तो अप्रिशिएट दैट. वो एक मिस्टेक है मेरे लाइफ में, बट अभी मैं देखता हूँ. फॉर श्योर, एकदम चल.